मुंह चोर के इतना मत उतराओ परिंदो, हम माई पे आ गए तो आसमान खरीद लेंगे। नाउ द बिच यू, सो आई एम फ्री नाउ। अरे राइस जट ने माऊ दी बच्चू। जी वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम हो गया तुम सब लोगों का। अभी तक तुम लोगों ने चैनल को लाइक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कर लो। आज हमारा हार्वेस्टर लगा हुआ है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कल कि हमारा हार्वेस्टर लगा हुआ है। उसके लिए आप लोगों ने मुझे जो है अच्छा सा फीडबैक दिया, आप लोगों ने मुझे अच्छे कमेंट दिए। मैंने आप लोगों से ये पूछा था कि अगर आप गंदम हार्डवेस्ट कैसे होती है ये देखना चाहते हैं तो आप लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छे फीडबैक आए तो मैंने सोचा था आप लोगों को जो है हार्डवेस्ट दिखाया जाए, कैसे हार्डवेस्ट करते हैं। सांस लेने दो, सांस लेने दो, सांस लेने दो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हार्डवेस्टर लगने वाला है तो ये वो मुझे विरसे में भी दातरी पकड़ आ गए हैं। बेसिकली इसको कहते हैं दातरी, ठीक है। और ये रहा शरबत का पानी ठंडा ठंडा, जिन्हें इसके लिए लेके जा रहा हूँ खेतों में लगे हुए हैं अकेले काम करने, और उनके साथ भी शायद कोई एक आधा बंदा है। तो ये जैसा कि अभी देख सकते हैं बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है और मैं वीडियो उस तरह से शूट नहीं कर पा रहा जिस तरह से मुझे शूट करनी चाहिए। आल दो आज वर्कर्स कम है तो इग्नोरेंस प्लीज। तो अभी जो है जिस ट्रॉले पे गंदम लेके जा रहे हैं उस ट्रॉले के बिल्कुल ये जो है मैं नीचे वाली साइड पे बैठा हूँ ताकि जो है मिट्टी से थोड़ा सा बच जा सके, ठीक है। और तो ये बाजू वगैरह देख, मुंह चेहरा वाइट, और इसको जो है हार्वेस्ट करने के बाद आपको दिखाऊंगा मुंह की, चेहरे की, और जो है एग्जैक्टली पाँव की क्या हालत हो जाती है। भाई जट नो विरसे से मिली हुई दातरी, जिन दिन आपा जो है साइडों से गंदम वगैरह काट रहे हैं, साइडों से ना जो गिरी हुई थी उसको जो है काट के तो ये इसके ऊपर ला के फेंक देंगे। तो ये आप देख लें कितना ज्यादा धूल मिट्टी उड़ रही है, यह देखें। तो ये धूल मिट्टी आपके सामने ही है, ठीक है। थ्रेशर मशीन में भी आपने देखी होगी पिछले व्लॉग में, और इस बार भी आप देख रहे हैं इस मशीन में कितनी मिट्टी और थ्रेशर मशीन में कितनी मिट्टी थी, ठीक है। और ये जो साइडों से रह गया ना ये वाला, ठीक है, लाइक ये वाले सारे जो ऊपर करे हुए ये काट के तो आपका भाई इधर फेंकेगा तो अब लगनी है मेहनत। आपको थोड़ा सा दिखाते हैं अगर हमें मौका मिला तो। तो ये सारे हमने ही दाने जो है काट के उधर इस साइड पे फेंकेंगे ताकि जो मशीन है वो हार्ड क्रश कर सके। ये जो ऊपर खड़े हुए अब इसमें हम जरा मेहनत करते हैं, तो अपने भाई को जरा मेहनत करते हुए देखें और बताएं कैसा लग रहा है। तो ये देखें भी किसी तरह से मोबाइल को जो है एडजस्ट किया हुआ है, और ये थी ये, और ये उठा के हमने फेंकी ये। सो आई एम फ्री नाउ। तो और कोई तरीका नहीं था भाई जान मोबाइल को एडजस्ट करके जो है वीडियो बनाने का, तो मैंने सोचा ये इस चीज़ का जो है इस्तेमाल करना चाहिए, तो मैंने कर लिया फाइनली। तो ये जो है अभी हमने काट के रखी है। उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस तरह से मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की है वीडियो बनी होगी। अगर इन केस नहीं बनी तो मेरा कोई कसूर नहीं, क्योंकि काम करने वाला मैं अकेला हूँ। और सामने मशीन वो बंद हो गई, रुक गई है, और बाकी तो मेरे साथ कोई नहीं है। जुनेद घर गए हैं भैंसों चुने के लिए, दूध की चुवाई के लिए घर गए हमें। तो ये देखिए मशीन कैसी हैवी मशीन नहीं है, बगैर ड्राइवर के चल रही है। और ये देखिए चेक करें माऊ दी बच्चों, चेक करो बगैर ड्राइवर तो चलने वाली मशीन माऊ दी बच्चों, ड्राइवर ये ऊपर है। और ये रही मशीन खुद ब खुद चलने वाली।
थक गए हैं भाई, गर्मी बहुत है और प्याज की बहुत ज्यादा तलब हो रही है। मुंह चोर के इतना मत उतराओ परिंदो, हम माई पे आ गए तो आसमान खरीद लेंगे। चेक करो माऊ दे बच्चो, चेक करो, वाह क्या ब्यूटीफुल लत्तां होईयां पईयां, चेक करो माऊ दे बच्चो, चेक करो माऊ दे बच्चो, चेक करो माशाल्लाह माऊ दे बच्चो, चेक करो माऊ दे बच्चे, चेक करो जट ने गुची दियां जलाबां पईयां ने ते जुत्ती जट ने हज पप्पी दी पाई, चेक करो माऊ दे बच्चो, अमीर जट ने दरअसल कंपनी के नाल नहीं चीज़ा आ रही, ऐरा बहर कड़ रही, चेक करो माऊ दे बच्चू हश पप्पी की जुत्ती पाई, बड़ा जट दे खानदानी रॉयस जट माऊ दे बच्चू, माऊ दे बच्चू समझने की कोशिश करा करो, बड़े रॉयस जट ने माऊ दे बच्चू। ये वाले जो है 2 acre ये भी कटिंग हार्वेस्ट हो चुके ऑलमोस्ट, ठीक है, ये वाले जो है सवा ये भी ऑलमोस्ट हार्वेस्ट हो चुके हैं, ये आखिरी था और इसके बाद जो है वो 2 acre पे चली जाएगी, वो आगे वाले 2 acre हो चुके, पर जो आज का जो काम है वो ऑलमोस्ट डन होने वाला है, ठीक है, क्योंकि मैंने उस तरह से शूट नहीं किया जिस तरह से मुझे करना चाहिए, लेकिन फिर भी किस तरह से मुझे शूट करना चाहिए, गल तो इतने आगे मुक दी ना। माशाल्लाह गंदम के जो इस बार दाने हैं वो जैसा कि मैंने बताया था थ्रेशर मशीन और हार्वेस्टर में क्या फ़र्क है आपको मेनली पता लग गया होगा, बिकॉज अगर आपने थ्रेशर वाली मशीन की हार्वेस्टिंग और इस मशीन की हार्वेस्टिंग की है तो आपको प्रॉपर डिफरेंस नजर आ गया होगा धूल मिट्टी का, ठीक है। हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं, मन माफ़ कर दो, ठीक है, व्लॉग लाइक शेयर हिट सब्सक्राइब बटन लाजमी करा जाए, तुम्हें पता है मेहनत होती भी है, आम कोई बंदे नहीं है, ठीक है, बड़े मेहनती बंदे हैं। तो ये देखिए मशीन कैसी हैवी मशीन नहीं है, बगैर ड्राइवर के चल रही है, और ये देखिए चेक करें माऊ दे बच्चे, चेक करो, चेक करो बगैर ड्राइवर तो चलने वाली मशीन, माऊ दे बच्चे ड्राइवर ये ऊपर है और ये रही मशीन खुद ब खुद चलने वाली, चेक करो माऊ दे बच्चे, चेक करो माऊ दे बच्चे, चेक करो पावर स्टीयरिंग है माऊ दे बच्चे, माऊ दे बच्चे चेक करो कैसी खानदानी मशीन है माऊ दे बच्चे। तो ये बेसिकली पंखे लगे हुए हैं, जब ये चला देते हैं, ठीक है, वैसे डीजल पे चलते हैं, तो जब ये चलते हैं तो फिर जो मिट्टी वगैरह होती है वो ड्राइवर वाले के पास जो है बहुत ज़्यादा कम आती है। बाय बाय बाय। When you are very hot, can't play very cool in that moment. Okay? So this is jet life, baby, jet life. तू मेरे लेवल का नहीं है छोड़िया, ओए जट भुखे होने कुटन लग पे ने, रजे होने लुटन लग पे, सही बोलिया नहीं बोलिया तो कमेंट सैक्शन तुम सही दस दो, जट लाइफ बेबी, जट लाइफ, जट थग लाइफ, जट ब्रांड अगर जट ब्रांड के मुकाबले पहुंचने वास्ते तेनों मेहनत करनी पैनी है,
तू पालनी है जट ते तेनू मिलदे ने राई ना ककना तू जटों दे लेवल दे नहीं पहुंच सकदी जट दा स्टैंडर्ड बहुत हाई है 5-600 बंदे नू रुपया दे के ते असा काम करवा सकने आ ठीक है एड्डी कोई वड्डी गल नहीं है लेकिन गल आके सारी इत्थे मुक जांदी ते 5-600 भी ना बंदे खलोवे मैनू दसो बंदा की करे तुसी लाइक करो कमेंट करो तुसी दसो तुहाडे साइड दे 600 ना गुजारा हो सी या 300 या 100 नाल 150 नाल दसो ना 600 भी बंदे ने अगर लियाना होवे ते बंदा कित्थों लियावे वीडियो तुसी नहीं लाइक कर दे वीडियो ते तुसी नहीं कमेंट कर दे सबसक्राइब करन दा कह दियो ते तुसी उत्थे वीडियो छड के टुर पैसी ते मेरी जान 600 लियाण वास्ते मेहनत करदियां पैंदियां ने ते जदों मेहनत करीदियां तुसी वट चरा सी ते मेरा भरा बंदे दे पुत्र बनो। तो ये जो है सारी गंदम हार्वेस्ट हो चुकी है और आप मेरी हालत से देख सकते हैं कि मैं कितना प्यारा लग रहा हूँ फिर भी कितना प्यारा लग सकता हूँ तुम्हें पता है जटा दे बाल थग लाइफ पीछा गया ना माड़ा ना समझी जट नू किसे गल्लों जट मारा